हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टाइप के कंगूरे बना लेने हैं। देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ जो है वो रेड कलर का है और जो इसकी लेस है वो रेड है और उस पर येलो कलर की डिज़ाइन है, तो हम येलो कलर के कंगूरे बनाएंगे। तो कंगूरे बनाने के लिए हम ये थर्माकोल का यूज़ करेंगे। इसको हम इस तरह इस फैब्रिक में रखेंगे और इसको धागे से अच्छे से बांध देंगे। अगर आपको इस तरह के और भी कंगूरे बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दे रही हूँ। तो इस तरह के मैंने 14 से 15 कंगूरे बना लिए हैं। अभी हमको पेपर कैनवास लेना है। इसकी लंबाई 8 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच ली है। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया है और यहाँ पर 5.5 इंच का मेरे को गला लेना था, तो यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। अब इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो 2.25 इंच पर मार्क कर देंगे। आप अपने पसंद का इसमें कोई भी शेप डाल सकते हैं। मैंने देखिए इस तरह का शेप डाला है। अब इसको हम कट कर लेंगे आराम से, जैसा शेप है उसमें हम काट लेंगे प्रॉपरली से। देखिए, ओपन करने के बाद इस तरह का लग रहा है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा कैनवास है वो भी हम कट कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो पेपर कैनवास होता है, आपने नोटिस किया होगा, एक साइड से हल्का सा शाइनी सा होता है और एक साइड से प्लेन होता है। तो हमको इसकी साइज़ का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है और जो शाइनी साइड है वो नीचे की साइड और प्लेन ऊपर की साइड रखना है। उस पर हमको एक बार अच्छे से प्रेस फेर लेना है। तो प्रेस फेरने से इस पर अच्छे से चिपक जाएगा इस तरह से। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे, केवल इतना फैब्रिक छोड़ेंगे कि ये मुड़ जाए। अब इसमें हम सिलाई डाल लेते हैं मशीन के हेल्प से। तो देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे मोड़ लें अच्छे से और पूरा इसमें सभी साइड से अच्छे से सिलाई डाल लें। सिलाई डालने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा अंदर का फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। ये इस पे पहले हम सिलाई डाल लेते हैं। ये देखिए, सिलाई कम्प्लीट हो गई है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से हम उसको कट कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, जो मैंने ब्लाउज़ का बैक साइड है वो पहले से रेडी किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे लास्ट में मैंने इसमें सिलाई डालकर इसको मोड़ा हुआ है और ये ब्लाउज़ का हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए, हम इसको जो हमने कैनवास पे डिज़ाइन बनाई इसको ऐसे रखेंगे। ऊपर मेरे को 3.5 इंच का नेक लेना है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी पहले। अब देखिए, इस कैनवास को हम ऐसे रखेंगे मार्क से ठीक नीचे और यहाँ पर एक अंदर की साइड से इधर टिक कर लेंगे और एक नीचे की साइड टिक कर लेंगे। इसको हम एक बार मोड़ कर देख लेते हैं जो हमारा सेंटर है वो सही जगह पे आ रहा है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है, तो चौक की हेल्प से हम इसमें एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे, ताकि जब हम इस पर कैनवास लगाएं तो वो सही जगह पे लगे। ऐसे हम कैनवास पे भी सेंटर पॉइंट्स पे मार्क कर लेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से कैनवास रखेंगे इसमें बिल्कुल सीध में और यहाँ पर मैं एक पिन लगा दे रही हूँ ताकि ये हिले ना। और इस पर हम सिलाई डाल लेंगे मशीन की हेल्प से। आप कोशिश करें कि कपड़ा आपका नीचे का खिसके ना। आप चाहें तो ऊपर की साइड भी पिन लगा सकते हैं, बट मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं लग रहा था, तो मैं नीचे की साइड के ऊपर पिन लगाकर इसमें सिलाई डाल ली है। और लास्ट में हम इस सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब जो इसका अंदर का फैब्रिक है वो हम काट लेंगे सीजर की हेल्प से इस तरह से। आप फिनिशिंग से अच्छे से काट लें। और जो अब कैनवास है इसको हम इस तरह से अंदर की साइड मोड़ लेंगे और इसको मोड़ने के बाद हम इस पर एक बार अच्छे से प्रेस भी फेर लेंगे ताकि ये दब जाए। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया अच्छे से और अब इसमें मैं एक बार प्रेस फेर लेती हूँ। अब प्रेस फेरने के बाद हमको इसमें ये कंगूरे लगाने, तो इसमें टोटल 14 कंगूरे लगने हैं। तो देखिए, एक मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ इसमें और एक नीचे की साइड इसके सेंटर पॉइंट पर। अब जो 12 कंगूरे बच रहे हैं हमको उनको डिवाइड करना है। देखिए, मैंने 6 कंगूर इस साइड डिवाइड कर दिए इस तरह से और 6 की हम मार्किंग दूसरी साइड कर लेंगे इससे नाप कर। तो सारे कंगूरों की हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग पूरी हो गई है। अब देखिए, कंगूरे लगाने के लिए हम इसमें इस बूट से भी लगा सकते हैं, बट मैं इसमें इसकी जगह सिंगल साइड बूट का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं वो बूट चेंज कर लेती हूँ, फिर हम इसमें कंगूरे लगाएँगे। देखिए, मैं ये इसमें सिंगल साइड बूट का यूज़ करूँगी, आप इससे भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने बूट चेंज कर लिया है। अब इस तरह से मैं एक एक कंगूरा रखती जाऊंगी और उस पर अच्छे से किनोर से सिलाई डाल दूंगी। जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की थी इतनी डिस्टेंस पे मैं कंगूरा रखते जा रही हूँ इस तरह से। देखिए, एक एक कर कर इस पर अच्छे से सिलाई डाल दे रहे हैं।
देखिए इस तरह से आप अच्छे से कंगूरू को लगाएं, केवल जो हमारा राउंड पार्ट है कंगूरू का वो ही बाहर दिखना चाहिए। सेम डिस्टेंस पे इनको लगाएं अच्छे से, उन पे अच्छे से सिलाई फेर दें ताकि निकले ना। ये मैंने सारे कंगूरे लगा लिए हैं लगभग, देखिए ये यहाँ पे सारे कंगूरे लग चुके हैं। ये लास्ट कंगूरा है, यहाँ पे हम थोड़ी सिलाई पक्की करके इसको काट लेंगे धागे को। ये पीछे से अब पूरा कंगूरे लगने के बाद नया कैसा लग रहा है। अब इसमें हम एक सिलाई और डाल लेंगे थोड़ी दूर से, इस तरह से हम इसमें पूरे राउंड कर एक सिलाई और डाल लेते हैं। इससे ये कंगूरा अच्छे से दब जाएगा इस तरह से, देखिए। अब मैं इसमें एक सिलाई और डाल ले रही हूँ थोड़ी दूर से, मतलब मैंने इसमें टोटल 3 सिलाई डाली है, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। पर इससे क्या है, जो कंगूरे का एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो अच्छे से दब जाता है। ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, देखिए। अब जिसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर दे रही हूँ। ये हमें यहाँ पे पीछे का नेक काटना है, तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच पे मार्किंग कर ली है, और यहाँ पे हम 3.5 इंच को इसमें अच्छे से इस तरह से मिला देंगे मार्किंग को। आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, बट ये नेक पीछे से पैक है तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा ली है ताकि ये खिंचाए ना। सो मैंने कट कर लिया अच्छे से। अब इस नेक को आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसमें पट्टी लगा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप इस पर पाइपिंग लगा सकते हैं। तो पाइपिंग लगाने के लिए हम पहले इसके कंधे जोड़ लेंगे। तो ये कंधे जोड़ लेने के बाद इस तरह से हम इसमें बैक साइड में पाइपिंग लगा रहे हैं। तो ये ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा लगेगा। ये हमारा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ये बैक साइड का नेक है हमारा, इस तरह से पूरा कंप्लीट होने के बाद लुक दे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।